नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। वैश्विक तौर पर कोरोना महामारी की मार झेल चुके लोगों को अब मंकी पॉक्स नाम की बीमारी का डर सताने लगा। WHO ने अब तक कनाडा, स्पेन, इजराइल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत एक दर्जन देशों में मंकी पॉक्स के 90 से ज़्यादा केस दर्ज किए। इसे संक्रमित लोगों को देखकर हर किसी के अंदर तमाम तरह की आशंकाएं बढ़ गई हैं। वहीं भारत में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या ये बीमारी भी आगे चलकर महामारी का रूप ले लेगी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मंकी पॉक्स को लेकर एक्सपर्ट्स की राय क्या है। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर एक्सपर्ट्स ने चिंता तो जरूर जताई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इससे दुनिया में COVID-19 जैसी महामारी नहीं होगी। SARS-CoV-2 यानी कि COVID-19 का कारण बनने वाले वायरस के विपरीत मंकी पॉक्स वायरस नोवेल नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दुनिया दशकों से मंकी पॉक्स के बारे में जानती है और इस बीमारी की बेहतर तरीके से समझ भी रखती है। ये परिवार में चेचक के समान वायरस है। मंकी पॉक्स वायरस आमतौर पर घातक नहीं होते, इसके अलावा कोरोना वायरस से कम संक्रामक भी होते हैं। वहीं COVID-19 से इतर इस बीमारी के लिए एक टीका भी है जो बीमारी से बचाने में मदद करता है। इसका इलाज खोजने में दुनिया को एक साल से ज्यादा का वक्त लग भी गया था। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख सलाहकार ने विकसित देशों में मंकी पॉक्स का अभूतपूर्व प्रकोप, इसके यूरोप में हाल ही में दो लहरों में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण होने की आशंका जताई गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।